नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल जनरल अफेयर्स में। आज की वीडियो यूनाइटेड नेशंस पर है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट और उसका होम पेज है। ये इसमें लिखा हुआ है पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लैनेट। अब कुछ हिस्ट्री के बारे में दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस पहला ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था जो विश्व शांति के लिए काम करने वाला था। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। इसकी प्रमुखता अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, लेकिन ये जो लीग थी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। लीग ऑफ नेशंस को अमेरिका ने ही नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि अमेरिकी जो सीनेट थी उसने परमिशन नहीं दिया था। उसके बाद दोबारा से एक ऐसी आवाज उठने लगी कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो विश्व शांति के लिए काम करे। उसके लिए 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका रिजल्ट निकला कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन कर दिया गया 26 जून 1945 को। चार्टर का मीन्स यूएन कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे आखिरी कंट्री जिसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था जो कि फाउंडेशन मेंबर्स में थी वो पोलैंड थी। और इसके फाउंडेशन मेंबर्स की जो संख्या थी वो 51 थी। भारत भी उनमें से एक था। और जब ये चार्टर साइन कर लिया गया उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन हो गई। और जो ये यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया इसे यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट ने दिया था। और इसके जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे वो नॉर्वे से थे, ट्राइगवे लाई। अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की अभी क्या कंडीशन है। अभी यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं और जो सबसे आखिरी कंट्रीज में ज्वाइन हुई है वो साउथ सूडान थी। और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्टुगल से हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। इसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। और जो सबसे आखिरी में कंट्री की लैंग्वेज जो ऐड की गई वो थी अरेबिक। और जो वर्किंग लैंग्वेज है जिसमें सारे काम होते हैं वो सिर्फ दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। ये बगल में आप देख पा रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस और जो इनकी और भी संस्थाएं हैं उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इसमें कुछ 12 नोबेल प्राइज इस यूनाइटेड नेशंस और इनके जो ऑफिसर्स हैं और जो इनकी संस्थाएं हैं उनको मिल चुका है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग और इसका एम्बलम। दोस्तों, ये जो यूनाइटेड नेशंस का एम्बलम और ये जो फ्लैग है ये जो दर्शाता है वो है द होप एंड ड्रीम्स ऑफ पीस एंड यूनिटी फॉर पीपल द वर्ल्ड ओवर। सभी जो लोग हैं पूरे दुनिया में उनके उनके लिए एक उम्मीद रखता है पीस और यूनिटी की। इसमें आप देख सकते हैं एक पत्ती है वो ऊपर की तरफ जा रही है और बीच में एक ग्लोब है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट और सारी चीजें दर्शाई गई हैं। इसे डिजाइन करने वाली टीम को ऑलिवर लिंकन लीड कर रहे थे और इस एम्बलम और फ्लैग को अप्रूव किया गया था जनरल असेंबली की एक मीटिंग में जो कि 7 दिसंबर 1946 को अप्रूव हुई थी। ये आपकी स्क्रीन पे है यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो प्रियम्बल है वो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, टू बी ए सेंटर
फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। इसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव है, और दो देशों के बीच में परस्पर मित्रता का संबंध रहे, ये और जो जिनके बीच में नहीं है उनके बीच में डेवलप करना, फ्रेंडशिप फ्रेंडली रिलेशंस। और तीसरा है कि किस कोई भी अगर इशू उठता है इकोनॉमिक सोशल कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर से रिलेटेड, तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना। और इसके बाद जो नेशंस हैं अपनी कॉमन नीड को कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए सामाजिक सद्भाव को मेंटेन करें, ये इसका चौथा उद्देश्य है। इनके अलावा भी यूएन ने दो और ऑब्जेक्टिव्स को ऐड किया था, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और दूसरा डिसआर्मामेंट, पर्टिकुलरली द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अब बात कर लेते हैं कि यूएन के क्या रोल हैं। पहला, रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये अगर कहीं किसी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसे सॉल्व करने में और एक मीडिएटर का काम करते हैं, और ये कुछ सैंक्शंस भी लगा सकते हैं या आर्म्ड एक्शंस भी ले सकते हैं। जो यूएन ने कोरियन वॉर के टाइम पे भी इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया था, और इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में भी मीडिएटर बन करके उसे सॉल्व किया था। और यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी इश्यूज के लिए भी काम करती है, और इसमें हमारा देश भी बहुत मदद करता है यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए। अगला है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी काम करता है। इसकी कई संस्थाएं WHO, यूनेस्को भी काम करती हैं, और कुछ कई प्रोग्राम जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं वो इकोसोक के अंदर भी काम करते हैं। हम देख सकते हैं कि कोविड पैंडेमिक के दौरान जो परस्पर देशों के आपसी सहयोग से जो चीजें संभव हो पाई हैं, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगला है रिजॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस। इसमें यूनाइटेड नेशंस जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भी काम करते हैं, जैसे अर्थ समिट आप कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसी तरीके के और भी कई काम करता है यूनाइटेड नेशंस। अगला है डिसआर्मामेंट। इसमें हम आजकल देख सकते हैं कि शक्तिशाली होने की रेस में जो कई बड़े बड़े देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, तो उसके इस्तेमाल के लिए और उससे बचने के लिए भी कई कॉन्फ्रेंस कर चुका है यूनाइटेड नेशंस, और कई ट्रीटी बना चुका है, NPT, TPNW, और कुछ तरीके के लॉ पास करने के लिए भी वो प्रयासरत रहता है कि जिससे न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल कोई भी ना करे। और अगला तो है जो रोल, वो है ग्लोबल फोरम फॉर डिस्कशन। तो यूनाइटेड नेशन एक ओपन फोरम है डिस्कशन करने का, अपने इश्यूज अपने प्रॉब्लम्स को कोई भी स्टेट जा करके डिस्कस कर सकता है जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर हो। अब यूएन की मेन बॉडीज के बारे में बात कर लेते हैं। यूएन जनरल असेंबली का जो मेन काम है वो डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन है जनरल असेंबली, और हर साल सितंबर में यूएन के जितने भी मेंबर हैं, टोटल 193 मेंबर्स मिलते हैं जनरल असेंबली हॉल न्यूयॉर्क में, और उनकी मीटिंग होती है। और जो डिसीजन रिलेटेड होते हैं पीस, सिक्योरिटी और एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स और बजट रिलेटेड मैटर्स के होते हैं, उसमें जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और जो अदर पार्ट होते हैं उनमें उनके डिसीजन लेने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। जनरल असेंबली हर साल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है, जिसका टर्म 1 साल का होता है।
सिक्योरिटी काउंसिल। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम है US, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है जो अगर कहीं भी पीस को थ्रेट हो या कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन के चांसेस हो, तो उनको इस तरीके के एक्शंस को खत्म करने के लिए काम करती है। और अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट हो तो उसका पीसफुल सोल्यूशन निकालने के लिए और उनको रिकमेंड करने का भी काम करती है। किन्हीं किन्हीं केसेस में सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकती है और अपनी अपनी फौज भी भेज सकती है इंटरनल पीस को रिस्टोर करने के लिए और सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट का जो टाइम होता है वो 1 महीने का होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये प्रिंसिपल बॉडी होता है। अगर कोई मसला होता है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड, तो उसके कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग और रिकमेंडेशंस के लिए एक काम करता है। इसके 54 सदस्य होते हैं और उनका इलेक्शन जनरल असेंबली में 3 साल में एक बार होता है। और ये एक यूनाइटेड नेशंस का एक प्लेटफॉर्म होता है, किसके लिए? रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। और इसके करंट प्रेसिडेंट है मुनीर अकरम, जो कि पाकिस्तान से हैं। और प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होता है वो मेंबर्स उसको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इकोसोक के, और साल में एक बार इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1945 में एस्टेब्लिश की गई थी यूएन चार्टर अंडर चैप्टर 13 में, और 1994 में इसकी जितने भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी, जो 11 थी, उनमें सेल्फ गवर्नमेंट या तो इम्पोज हो गए थे या वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो उसके बाद 1 नवंबर 1994 से ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया था और एक रेजोल्यूशन निकाला था 25 मई 1994 को कि अब इनकी जो एनुअल मीटिंग होती थी वो सस्पेंड कर दी जाती है, और जब कभी ओकेजन रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपनी मीटिंग्स को फिर से चालू कर देंगे। अब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशंस का, और ये हेग नीदरलैंड में सिचुएटेड है। और बाकी जितने भी प्रिंसिपल बॉडीज हैं यूएन के, उनका सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सिर्फ आईसीजे को छोड़ करके। और ये इसका काम है कि जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, उनका सॉल्यूशन निकालता है या कुछ एडवाइजरी देता है। इस कोर्ट में 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है, और इसमें 1/3 ऑफ कोर्ट का इलेक्शन हर 3 साल पर होता रहता है। और जो इसके जज होते हैं वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। हमारे देश के जो कुलभूषण जाधव केस आपने देखा होगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही लड़ा जा रहा है, और हमारे देश के भी जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हैं। सिक्स्थ और जो आखिरी प्रिंसिपल बॉडी है यूएन की, वो है सेक्रेटेरिएट। एक सेक्रेटेरिएट बनती है सेक्रेटरी जनरल और करीब टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर से, जो यूएन का डे टू डे वर्क पूरा करते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो जनरल असेंबली में से अपॉइंट होता है, और उसे सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन भी चाहिए होती है। और इनका टाइम पीरियड 5 साल का होता है और ये रिन्यूएबल टर्म है। अभी जो करेंट सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस है पोर्टुगल से, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। इसमें आप देख सकते हैं सब्सिडियरी ऑर्गन्स ऑफ यूएन,
जो प्रिंसिपल बॉडीज के अलावा भी इसके ऑर्गन्स हैं यूएन के, वो यहाँ दिए हुए हैं, ये सारे तो नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है उनके एक्सपेंडेड नेम, हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिश ईयर भी दिया गया है, इन्हें आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया भी डिमांड करता है यूएन में परमानेंट मेंबरशिप की, तो वो क्या बेसिस देता है कि किस बेसिस पे उसको यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। पहली बात तो जो इंडिया था वो यूनाइटेड नेशन का फाउंडर मेंबर है, और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, इकोनॉमी के टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इकोनॉमी के टर्म में इन परचेसिंग पावर पैरिटी में, और फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन है इसकी इकोनॉमी के मामले में। और सबसे बड़ी बात, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, जो यूएन का प्रीएम्बल है उसके काफी सारी चीजों को ये डेमोक्रेटिक कंट्री सेटिस्फाई करती है। और इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है यूएन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फॉर पीस कीपिंग फोर्सेस ऑफ यूएन, और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन और भी क्षेत्र में करता है। अभी आप देख सकते हैं वैक्सीन भी इसने कई देशों में पहुंचाई थी, और इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनकर के उभरा है, ये कई सारे बड़े ग्रुप का मेंबर भी है, G20 का मेंबर है, ये ब्रिक्स का मेंबर है, IBSA का मेंबर है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, कई ऑर्गेनाइजेशंस को तो ये लीड भी करता है, सोलर अलायंस वगैरह को आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके ज्ञान को बढ़ाने में भी बहुत मददगार होगी, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।